केंद्र शासन के आदेश पर पूरे भारत वर्ष में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे का वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मंगलवार को वैक्सीनेशन के दूसरे दिन भी बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रोन के रूप में अपने पैर पूरे विश्व सहित भारत में भी पसारने लगी है, जिसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अब 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन भी बच्चों में काफी उत्साह देखा गया और उनके माता पिता द्वारा उन्हें अनुमति दी गई कि वे अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद में मंगलवार को बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम भिलाई एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से व्यवस्था बनाकर कैंप लगाकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन द्वारा भी काफी अच्छा प्रबंध बच्चों के लिए किया गया था एवं स्कूल की प्राचार्या सुश्री एवी मिश्र द्वारा वैक्सीन लगे बच्चों पर खास निगरानी रखी जा रही थी। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्कूल की प्राचार्या ने शासन प्रशासन सहित नगर पालिक निगम भिलाई का आभार जताया है। शासन की मंशा के अनुरूप 15 से 18 आयु वर्ष वाले विद्यार्थियों को शासन की ओर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। वैक्सीनेशन कल से हो रहा है, मेरी संस्था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद में वैक्सीनेशन आज हो रहा है और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बहुत उत्साह से बच्चे आ रहे हैं, सभी बच्चे वैक्सीनेशन सुनकर पहले थोड़ा डर रहते हैं कि दर्द होगा या कुछ तकलीफें होंगी, लेकिन जैसे उनको उसके बारे में बताया गया विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए हैं और उनके मन से ये भय भी निकल गया है कि अब कोरोना से वो बच सकते हैं, विद्यालय नियमित आ सकते हैं, उनकी उपस्थिति में भी सुधार हो सकता है। तो इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन होने के बाद बच्चों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, तो शिक्षा जैसे अभी जो इतने लॉकडाउन के बाद में स्कूल शुरू हुआ था, बच्चों में थोड़ी सी नकारात्मकता देखी जा रही थी पढ़ाई के प्रति, क्या अब इससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और बच्चों का रुझान बढ़ेगा पढ़ाई की तरफ? हाँ बिल्कुल, अब बच्चे शायद और ज़्यादा नियमित आ पाएंगे, पेरेंट्स भी उनको स्कूल भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं और उनका मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ेगा और उनकी उपस्थिति में भी सुधार होगा। निगम भिलाई क्षेत्र में चल रहे 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की निगरानी लगातार नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाने लगातार प्रयासरत भी हैं, जिसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी। यह दूसरा दिन वैक्सीनेशन का है, 15 से 18 वर्ष के जो स्कूली बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। बड़ा उत्साह बच्चों में दिख रहा है और पेरेंट्स भी अपने कंसल्टेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। सभी कोरोना के जो लहर है उसको देखते हुए सब साथ दे रहे हैं, बच्चे लोग भी बड़ा सहयोग इसके लिए कर रहे हैं, स्कूल के टीचर स्टाफ भी इसमें सहयोगात्मक रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें आयुक्त महोदय भी जो है अपने जोन आयुक्त को निरीक्षण के लिए निर्देश दिए हुए हैं कि व्यापक व्यवस्था का एक बार चेकिंग कर लें, एक बार स्कूलों को जाकर इंस्पेक्शन स्वयं करें। आयुक्त महोदय स्वयं व्यवस्था को देखते हुए अपने टीम के साथ में निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और मेरी भी सभी से अपील है कि जो वैक्सीनेट नहीं किए हैं प्रथम और द्वितीय डोज जिनका कोरोना का टीका बचा हुआ है, ऐसे लोग जो हैं ज़रूर वैक्सीनेट करवा लें और जो इम्यूनिटी पावर है वो इससे बढ़ता है और जो कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जो जरूरी उपाय है उसके तहत में काम किया जा रहा है, उसको अपनाया जाए। केंद्र द्वारा शुरू किए गए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता को भिलाई नगर निगम क्षेत्र में देखा जा सकता है, जहां की आम जनमानस कोरोना के प्रति जागरूक हो चला है और इससे बचने अपने बच्चों को भी टीका लगवाकर सुरक्षित करता नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।